व्हाट इज़ अप व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शिवम और आज के वीडियो में हम दो तीन चीज़ों की बात करेंगे। पहली कि यहाँ पे क्यों मुझे लगता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउनसाइड अभी भी बाकी है। दूसरी हम देखेंगे कि ये जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है उसके साथ कैसे टाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तीसरी एक हम एक्सचेंज की बात करेंगे और चौथी लास्टली हम TA के साथ थोड़ा सा रैप अप करेंगे कि कौन कौन से लेवल्स हमें यहाँ पे देखने हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू नंबर वन गाइस, मार्केट का करंट सिनेरियो एज वेल एज मार्केट में हम यहाँ पे क्यों बेरिश हैं एट दिस पॉइंट। तो पहले बात करते हैं मार्केट के सिनेरियो की। आप जैसा कि देख सकते हो बुलबुले सारे के सारे लाल हैं, हमें बिटकॉइन से लेके ऑल्ट कॉइन सब में से पैसा ड्रेन होता नज़र आ रहा है। वीकेंड जो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा वीक है एंड ये क्यों वीक है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट हुई है गाइज, इकोनॉमिक, अगर मैक्रो इकोनॉमिक की हम बात करें राइट, तो मैक्रो इकोनॉमी में जब क्रैश आता है एंड स्पेसिफिकली जब बड़े क्रैशेज आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पैंडेमिक का क्रैश आया था, तो लोग जो है पैसा मार्केट में डालना बंद कर देते हैं राइट। उसकी वजह से मार्केट जो है डाउन जाने लगती हैं और डिमांड जो है कम होने लगती है जनरली, क्योंकि लोग खर्चा करना भी कम कर देते हैं। उसमें डिमांड कम होती है तो लोगों की नौकरियाँ जाने लगती हैं। इलॉन मस्क का कल एक न्यूज़ निकली है 10% टेस्ला की वर्कफोर्स को जो है निकालने का प्लान किया जा रहा है। से लेके इंडिया में 9000 से ज़्यादा ले ऑफ्स हो चुके हैं, बाहर हज़ारों ले ऑफ होने स्टार्ट हो चुके हैं एंड वेब 3 में भी यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है कि ले ऑफ्स यहाँ पे किए जाएंगे। जेमिनाई एक्सचेंज का अगर आप देखो तो वो भी यहाँ पे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 10% अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करने वाले हैं। इससे क्या होता है, जब ले ऑफ होता है तो बंदा सेव करना चाहता है, इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, तो मार्केट जो है स्पीड पे नहीं बढ़ती एंड ये पूरा का पूरा एक साइकिल बन जाता है। आप सोचो अंडा मुर्गी वाली सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि बंदा कब स्पेंड करेगा, जब उसके पास नौकरी होगी। नौकरी कब होगी, जब वो एक्चुअली स्पेंड करेगा और कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट बनाएगी, तो पूरा ये गोला बन जाता है। अब ये गोले में फेड क्या रोल प्ले कर रहा है, तो फेड गाइस जो US का फेड है, यहाँ पे क्या हुआ है, पिछले 2-2.5 साल में बहुत सारी मनी प्रिंटिंग हुई है। अब वो मनी प्रिंटिंग की वजह से जो है मार्केट में बहुत सारी लिक्विडिटी है। क्यों, क्योंकि फेड मनी प्रिंट कर रहा था और 100 बिलियन डॉलर मार्केट में डाल रहे थे, ठीक है। उससे ये हुआ मार्केट में बहुत सारी लिक्विडिटी आ गई, इंटरेस्ट रेट गिर गए, इंटरेस्ट रेट इन्होंने 0% कर दिया था ताकि लोग ज़्यादा बोरो करें, ज़्यादा स्पेंड करें और लोग कंपनीज जो है ज़्यादा पैसा बनाएं और इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी सी पुश हो जाए, थोड़ी पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगे। अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है। अब फेड के पास क्या तरीका है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, उनके पास एक ही तरीका है यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, वो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाए, मार्केट में से पैसा निकाला जाए, जिसको QT या क्वांटिटेटिव टाइटनिंग बोलते हैं वो लोग। QT में वो लोग अभी के टाइम पे, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो QT में क्या करने वाले हैं, उनका $9 trillion का एसेट बैलेंस शीट है फेड का, US फेड का $9 trillion का। इसको वो धीरे धीरे करके ऑफलोड करने वाले हैं। मतलब क्या, मतलब जो इस $9 trillion की बैलेंस शीट में चीज़ें खरीद रखी हैं उन्होंने, टी बॉन्ड्स हो गए और ये सारी चीज़ें, वो सबको वो बेचने वाले हैं। कैसे बेचने वाले हैं, महीने का $47.5 billion वर्थ ऑफ सेल प्रेशर वो यहाँ पे देने वाले हैं, दे दिया है एक्चुअली, वेंसडे की बात है। नंबर टू, ये करेंगे पहले तीन महीना 47.5 बिलियन। तो जून जुलाई अगस्त $47.5 billion का सेल प्रेशर आएगा। आफ्टर दिस टोटल अमाउंट टू बी रिड्यूस्ड गोज अप टू $95 billion अ मंथ विद पॉलिसी मेकर्स प्रिपेयर टू एडजस्ट जैसे रिजॉल्व होते हैं। अभी का प्लान ऐसा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर $95 billion का सेल प्रेशर यहाँ पे आएगा। विद दैट ये लोग इंटरेस्ट रेट्स को जो है धीरे धीरे करके कुछ BPS के हिसाब से बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब क्या, मतलब पैसा लेना महंगा पड़ रहा है, दैट मीन्स लोग पैसा कम लेंगे, मतलब कम स्पेंड करेंगे, इकोनॉमी जो है थोड़ी सी इकोनॉमी को पुल बैक कर रहे हैं। इनका एम है कि इकोनॉमी को पुल बैक किया जाए, रिसेशन में जाए बिना। रिसेशन कैसा आता है, तो लाइन बाय लाइन क्वार्टर्स में अगर नेगेटिव GDP ग्रोथ हो जाए, तो US की जो है एक क्वार्टर में, पहले 2021 के क्वार्टर में -1.4% की ग्रोथ हुई है। सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट कब आएगा, अप्रैल मई जून, जून खत्म होने के बाद जुलाई में अपने को रिजल्ट पता लगेगा। अगर वो भी नेगेटिव हुई तो हम रिसेशनरी पीरियड में चले जाएंगे, पहली बात। दूसरा, इन्फ्लेशन जब तक कंट्रोल नहीं होता ये रेट्स को कम करते जाएंगे। इनका मेन काम ये है इन्फ्लेशन को कम किया जाए, ताकि इनका जो डॉलर है उसकी वैल्यू यहाँ पे बनी रहे इतना प्रिंटिंग करने के बाद भी, राइट, विच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इनको इंटरेस्ट रेट्स पे काफ़ी ज़्यादा खिलवाड़ यहाँ
करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को जो है मद्देनजर रखते हुए मेरा ऐसा मानना है मार्केट में अभी डाउनसाइड बाकी है, क्योंकि अब लोगों की जॉब जानी स्टार्ट हुई हैं जून में, राइट। तो जून की सैलरीज जब उनको जुलाई में नहीं मिलेंगी, तो जुलाई में हम लोगों को जो मार्केट में क्या होता है, देखो मार्केट में जब सैलरी आती है लोगों की, थोड़ा सेव करते हैं जिसको करना होता है, उड़ाते हैं, इकोनॉमी स्टिपुलेट होती है, पर इसके साथ वो लोग क्या करते हैं, वो मार्केट में इन्वेस्ट भी करते हैं। यूजुअली पहले 5-10 दिनों में ऑफ एवरी मंथ हम लोगों को लोगों की SIPs एग्जीक्यूट होती नज़र आती है, पर जब जुलाई में उनको जून की सैलरीज नहीं आएंगी हज़ारों लोगों को, क्योंकि जून के महीने में हो सकता है और भी लोगों की जॉब चली जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें मार्केट जो है और ठंडी पड़ती नज़र आएंगी। एंड ये इफेक्ट पहले क्या होता था, जब US में रिसेशन आता था इंडिया में ज़्यादा नहीं दिखता था, क्यों, क्योंकि जो आउटसोर्सिंग इकोनॉमी है एंड इंडिया की जो सर्विस इकोनॉमी है एंड इंडिया के जो लोग हैं जिनको US से बहुत ज़्यादा पेमेंट मिलता है रिलेटिवली सेम काम में जो उनको इंडियन क्लाइंट के साथ करना पड़ेगा, वो सब लोगों का बिजनेस यहाँ पे बंद होने लगेगा, वो सब लोगों की नौकरियाँ यहाँ पे जाने लगेंगी। तो इंडिया में भी हमको इसका इफेक्ट पहले जो जितना हुआ है उससे ज़्यादा देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा ओपिनियन है। नाउ अगर ऐसा होता है, जो कि ऑलरेडी नज़र आ रहा है, 8,000 लोगों को जो है ले ऑफ किया जा रहा है इवन कम्प्लीटली इंडियन कंपनी से, बिकॉज मार्केट ठंडी हो गई है, क्रिप्टो में लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे अभी सेल प्रेशर आना बाकी है। तो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अभी भी यहाँ पे ठंडी पड़ी है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो ऐसे पीरियड में यूजुअली अगर आपके पास एक्सेस कैश है तो हम क्या बोलते हैं यार, एक इनकम स्ट्रीम पे ज़रूर फोकस करो, सेविंग्स ज़्यादा से ज़्यादा रखो, अपना इमरजेंसी फंड बना के रखो, सो दैट जब ऐसा पीरियड आए तो आप अपने कैश को इन्वेस्ट कर सको, क्योंकि बेयर मार्केट्स मैक्सिमम रिटर्न लोगों के लिए बनाते हैं। तो दैट इज़ व्हाई दिस पीरियड यूजुअली, अगर ये बेयर मार्केट एक साल चलता है तो ये एक साल बहुत अच्छा पीरियड है SIP काइंड ऑफ अप्रोच को फॉलो करने का फॉर द नेक्स्ट 10 years प्लस। उसमें सिर्फ क्रिप्टो नहीं, स्टॉक मार्केट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा 2020 में जब क्रैश आया था उसके बाद स्टॉक मार्केट में कुछ स्टॉक्स जो हैं जो एक्चुअली पॉपुलर स्टॉक्स थे, ऐसे भी नहीं कि कोई ऐसे ही नए स्टॉक निकला है जिसका किसी को पता भी नहीं था, जो पॉपुलर स्टॉक्स थे उन्होंने कितने हज़ार % के रिटर्न्स दिए थे यहाँ पे, राइट। सो इवन स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल, वहाँ पे आपको डिविडेंड भी मिलते हैं। नाउ मूविंग टू TA पे मूव करने से पहले क्विकली मैं बात करना चाहूँगा आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर की, जो है B2Me एक्सचेंज। इनके बारे में मैंने पहले से बात किया है जब से इनका B2M टोकन आया था एंड ये लोग लॉन्च हुए थे लास्ट ईयर से, इनके साथ हम तब से काम कर रहे हैं। ये स्पेन के वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सचेंजेस हैं एंड उनके ऑफिशियल एक्सचेंजेस में आते हैं, इनफैक्ट पार्टनर्ड अप विद पीपल लाइक लेजर। पर एक्सचेंज में SIP करना आप साइन अप कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको दे दूंगा, पर मैं सिर्फ इतनी बात नहीं करना चाहता हूं, मैं नहीं आपको बोलना चाहता कि आप आंख बंद करो और इन्वेस्ट करो, वो आपको सोचना है यहां पे कि यहां क्या आपके लिए सही टाइम है इन्वेस्ट करने का या नहीं। स्पॉन्सर है तो क्या हुआ, आपको अपना रिसर्च करना है, आपको वेट करना है, अभी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं। अभी मैं एक अलग चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, इनकी B2Me अकेडमी है, आप B2Me अकेडमी से फ्री ब्लॉकचेन का कोर्स कर सकते हो, वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं। इनके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, रेगुलरली न्यूज़ और आर्टिकल्स और ये सारी चीज़ें आती हैं अकेडमी पे, लिंक पे क्लिक करो, अकाउंट बना लो, जहाँ पे ऊपर लर्न का ऑप्शन है वहाँ पे बिटकॉइन बेसिक कोर्स, B2Me अकेडमी और ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको ब्लॉकचेन के कोर्सेज मिल जाएंगे फॉर फ्री, जिसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। यूज़ दैट टू गेट एक्स्ट्रा इनकम, use that to get what you want, उसके बाद आप सोचो invest करना है या नहीं करना है, right? अब इन लोगों की तरफ से मेरे को क्या है कि यार आप users बढ़ा दो, fine users बढ़ जाएंगे, but अभी right time नहीं है पैसा डालने का, तो थोड़ा सा ध्यान से अभी academy पे focus कर लो, बहुत अच्छा है, quality अच्छी है इनके academy की, exchange भी बहुत अच्छा है, ऐसा मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि exchange अच्छा नहीं है, exchange भी बहुत अच्छा है, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, but academy की जहाँ तक बात की जाए, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन, आप वो कर लो और उसके बाद अगर आपको लगे तो आप एक्सचेंज यूज़ करो एंड गो हैड विद वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, SIP तरीका बेस्ट होता है। मूविंग ऑन टू TA एंड हम लोगों को क्या लेवल्स यहाँ पे देखने हैं। अब बात की जाए यहाँ हमारी जो ट्राइंगल ब्रेकआउट की लाइन थी पुरानी, वो यहाँ पे टेस्ट हो रही है, अब उसी के आसपास हम यहाँ बाउंस कर रहे हैं। ये लाइन यूजली आप अगर नोटिस करो, ये लाइन ने ज़्यादा वार अभी सहे नहीं है, तो मेरा ऐसा मानना है जिस तरह की मार्केट सिचुएशन है, जिस तरह से जो मैंने 2 दिन पहले की वीडियो भी देखो मैंने बताया था 200 MA, आप यहाँ ऊपर अगर देख सकते हो ये 200 MA और 20 MA जिस तरह से प्रेशर बनाए हुए हैं, हम लोगों को यहाँ पे डाउनसाइड देखने को मिल सकती है।
नाउ डाउनसाइड देखने को मिल सकती है, और अपवर्ड्स का हमारे पास 30,000 और 31,000 के आसपास का ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, 30,000 पे 20 MA बैठा है। अगर हम थोड़ा घंटे और यहाँ पे रह जाएं तो 200 MA इन 4 आवर हमारे पास 31,000 की रेंज में ही आ जाएगा, और फिर हमारे पास रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और सपोर्ट कंपैरेटिवली वीक रहेगी। तो हम यहाँ पे डाउनसाइड फिर देखेंगे 28,500 की और 27,700-28,700 की रेंज में, 27,500 की रेंज में। इट इज़ ऑलवेज अ रेंज, ये है डाउनसाइड। अपसाइड की तरफ मैंने आपको बताई 30,000 का लेवल ब्रेक होना चाहिए, 31,000 का लेवल ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे 200 MA ब्रेक होना चाहिए। अब मुझे क्यों और लगता है कि यहाँ पे हम नेगेटिव उस सिनेरियो में हैं, इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है। बिटकॉइन की अगर स्पेसिफिकली बात करूँ, ऑफकोर्स TA में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कोई हिडन डाइवर्जेंसेज हैं, ये सारी चीज़ें वो सब ठीक है, बट अपन बात करते हैं यहाँ सेंटिमेंट की और ओवरऑल मार्केट की। तो अगर मैं बात करूँ गाइज, यहाँ पे आपको दिखाऊँ लिटरली, अगर मैं यहाँ ओपन करना चाहूँ आपके लिए 2021 का मे का पीरियड, राइट, वो मे के पीरियड में इसी तरह की एक ट्रेंड लाइन हमने, बिटकॉइन जो है सेमी एक तरह की रेंज में जो है घूम रहा था जैसे अभी घूम रहा है, वो ट्रेंड लाइन के नीचे थे हम, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, हमको एक पंप देखने को मिला, वो पंप जो है एकदम बॉटम से देखने को मिला अप्रॉक्सीमेटली 17.8% का। और अगर मैं उसको अभी के करंट फ्रैक्टल या करंट सिचुएशन के साथ कंपेयर करूं कि हमको अभी की जो ट्रेंड लाइन टूटी है उससे कितने का पंप देखने को मिला है बॉटम से, याद रहे वो वाला था 17.8%, मैं एकदम बॉटम से भी ले सकता हूं 20% का, बट मैं अगर करंट सपोर्ट लेवल से लूं यहां से तो दैट इज अबाउट 15% का, राइट। तो ये हमको देखने को यहां मिल गया है। नाउ मूविंग ऑन, उसके बाद यहां पे वो ट्रेंड लाइन थोड़ा टाइम टेस्ट हुई एंड वो टूट गई, उसके हम जो 200 MA के ऊपर सपोर्ट नहीं बना पाए। नाउ अब ये क्यों इंपॉर्टेंट और मैं क्यों बोल रहा हूं 200 MA के ऊपर सपोर्ट, अनटिल एंड अनलेस, एटलीस्ट बिटकॉइन में यूजुअली डेली चार्ट देखना चाहिए, बट अगर मैं 4 आवर चार्ट भी आपको दिखाना चाहूँ, जब तक हम 200 MA के ऊपर नहीं है हमें अपवर्ड्स ट्रेंड देखने को नहीं मिला है। आप यहाँ देखो, अगर हम प्रॉपर डे, अब मैं इसको अगर डे क्लोजिंग भी कर दूँ और ये लेवल पकड़ लूँ तो वी हैव टू सी कि यहाँ पे हम 200 MA के ऊपर मेंटेन्ड है। अगर बिटकॉइन वीकेंड पे शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है तो हम लोगों को ये पूरे 2 दिन थोड़े से स्ट्रॉन्ग नेगेटिव देखने को भी मिल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब बात करते हैं हम मेन जो बिटकॉइन में डेली और वीकली चार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस, सेम थिंग वी कैन सी प्लेइंग आउट इन द डेली चार्ट एज वेल, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया डेली चार्ट में। अब डेली चार्ट में क्या देखना है, डेली चार्ट में अगर आप 200 MA देखो तो सेम चीज़ है, अनलेस हम 200 MA के ऊपर हैं हम लोगों को एक लंबा बुल रन देखने को नहीं मिला है। डेली चार्ट में अगर मैं लास्ट ईयर की ही बात करूं तो हम लोगों को जो जब हमने 200 MA 40,000 का ब्रेक किया उसके बाद हमने यहाँ पे उसको टेस्ट किया, रिजेक्ट हो गए, टेस्ट किया ऑलमोस्ट, फिर ट्रेंड लाइन बनने लगी, रिजेक्ट हो गए, एक बार और टेस्ट किया, रिजेक्ट हो गए, फिर उसके बाद टेस्टिंग में रिजेक्ट हुए, यहाँ आए, उसको टेस्ट किया एंड कुछ कराते मरते मराते हम यहाँ पे ऑल टाइम हाई बिटकॉइन ने यहाँ बनाया, उसके बाद नीचे गया और उसके बाद अभी ये ऊपर आया ही नहीं है। हमने यहाँ पे 200 MA को एक बार जो है लिटरली 28 मार्च का डेट बन रहा है, 28 मार्च को टेस्ट किया था डेली में। सेम चीज़ अगर आप 2018 के चार्ट्स भी देखना चाहो तो आप 2018 के चार्ट्स में भी देख सकते हो, अनलेस वी क्रॉस 200 MA इन डेली हमारे पास यहाँ पे एक अपवर्ड ट्रेंड नहीं बनता है। जब हम उसको नीचे क्रॉस करते हैं हमारे पास एक लॉन्ग बेरिश ट्रेंड आता है, इनफैक्ट क्रॉस करने के बाद भी अगर टेस्ट फेल हो जाए तो हम और बेरिश फेज में जाते हैं। तो ना ही हमें 200 MA को क्रॉस करना है गाइस, हमें 200 MA को क्रॉस करने के बाद हमारा जो टेस्ट होगा 200 MA का उसको पुश करना पड़ेगा। अब वो 200 MA डेली के चार्ट में कहाँ है, 42,000 पे, उसके बिना अपवर्ड ट्रेंड आना मुश्किल है। बट क्या इसका मतलब है हमें बेयर मार्केट में 20-30% के अपवर्ड मूवमेंट्स नहीं देखने को मिल सकते, नहीं, ऑफ कोर्स देखने को मिल सकते हैं, ऐसा हर बार होता है, बेयर मार्केट में भी 15-20-40% के पंप्स आते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है बेयर मार्केट खत्म हो गई है, क्योंकि हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स देखना है गाइस, लोगों की साइकोलॉजी समझनी है। अगर वो सारी चीज़ों पे आपका ध्यान है तो आपको पता लग जाएगा कि प्राइसेस का अप्रॉक्सीमेट आइडिया क्या है। नाउ अभी गारंटी तो कुछ नहीं होती चीज़ों की, कल इन्फ्लेशन का नंबर अगर बेटर आ गया बाय चांस, जो थोड़ा सा टफ है, तो फेड बोलेगा नहीं करेंगे हम ये सब, इन्फ्लेशन आ गया सही, पर वो इन्फ्लेशन को उनके बताए नंबर 8% से 2% की रेंज में लेके जाना चाहते हैं, विच विल टेक सम टाइम।
वो 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने में नहीं होगा, इट इज़ वेरी वेरी प्रॉबेबल कि हम यहाँ पे डाउनसाइड ज़्यादा देख सकते हैं. तो इन चीज़ों के लिए हमको तैयार रखना है. थोड़ा इन डेप्थ, थोड़ा लंबा वीडियो, बट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैंने ये चीज़ें कवर नहीं की हैं. फाइनेंशियल फंडा चैनल पे भी मैं कवर करूंगा डिटेल में, तो वो चैनल आप चेकआउट करें एंड सब्सक्राइब कर लें. एंड आज के हमारे जो स्पॉन्सर हैं बिट टू मी एक्सचेंज, उनको देखना मत भूलें. उनकी एकेडमी पे जाएं, पढ़ाई करें, सीखें बिटकॉइन क्या है, सीखें हाविंग क्या है, सीखें ये सारी चीज़ें एंड आपको नौकरी मिल सकती है. तो बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट हो, आप क्रिप्टो में रेगुलरली हर महीने पैसा बना पाओगे क्योंकि आपके पास वेब थ्री और ब्लॉकचेन में एक नौकरी होगी. नॉन टेक जॉब्स भी अगर बात करो तो उसका फाइनेंशियल फंडा चैनल पे वीडियो है. नॉन टेक्निकल जॉब्स या रादर टेक जॉब्स जिसमें आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, वो जॉब्स की लिस्ट मैंने वहाँ दी है. दिस विल अप्लाई टू दोज जॉब पोजिशंस एज वेल. तो मैं ऐसा बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ये पूरा का पूरा एक एजुकेशनल पूरा सेट कर लूँ. सब BTC स्कूल मैं और क्रिप्टो जार्गन जो कर रहे हैं वो सबके पीछे इस तरह की कुछ मोटिवेशंस हैं कि बेयर मार्केट में सब लोगों को पुश किया जाए, स्पेशली एजुकेशन की तरफ. क्योंकि बुल मार्केट में जितना भी बोल लो हम लोगों को उल्टा सुनने को मिलता है, ये तो 100x चला गया, क्या एजुकेशन, क्या पढ़ाई वढ़ाई करते हो. बट बेयर मार्केट में सब लोगों को समझ में आता है कि पढ़ाई करना कितना ज़्यादा ज़रूरी था एंड लोग ज़्यादा फोकस करते हैं. इसलिए वी वॉन्ट टू मेक श्योर कि हम आपको पुश कर रहे हैं रेगुलरली एजुकेशन की तरफ बिकॉज दैट विल टेक यू फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 20, 25, 30 ईयर्स ऑफ योर लाइफ. दैट्स इट गाइज, ये है आज का वीडियो. होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो. एज ऑलवेज अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो लाइक बटन पर जो है मुक्का मारना मत भूलें एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे इस चैनल पर. मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.